मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि इस प्रकार की अंतर विभागीय प्रतियोगिता से सभी विभागों में आपसी तालमेल बढ़ेगा, जिससे प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। बता दें कि इस प्रतियोगिता में UPCL, BHEL, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड शिक्षा विभाग जैसे विभिन्न सरकारी कार्यालयों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 17 से लेकर 19 दिसंबर तक चलेगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये आज यहाँ पर अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई है और ये प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता आयोजित होती है। हमारी सभी को शुभकामनाएं और सबसे अपेक्षा भी हमने की है कि अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता सभी विभागों के अधिकारीगण कर्मचारीगण आपस में मिलकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपस में जहां पर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं, परस्पर एक बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्डिंग से निश्चित रूप से हमारे जो कार्य हैं, कार्य करने की जो पद्धति है, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि परस्पर बॉन्डिंग के आधार पर विभाग भी आगे बढ़ेंगे, कार्य पद्धति भी जो है आगे बढ़ेगी।